हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार गुप्ता, योर टैक हुसैन दोस्त, और आप देख रहे हैं द टैक न्यूज। आज के एपिसोड में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग एक सिंगल हैंड गेमिंग कीबोर्ड की। जी हां फ्रेंड्स, आज की डेट में ये कीबोर्ड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और गेमर्स की पहली पसंद बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ जिब्रोनिक्स के जैब मैक्स एटम कीबोर्ड की। ये प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड है और 12 मोड RGB लाइटिंग के साथ में है। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं इस कीबोर्ड का फुल रिव्यू आपको बताऊंगा और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कीबोर्ड आज की डेट में मार्केट में और ऑनलाइन में बहुत बहुत डिमांडिंग कीबोर्ड है। यकीन मानिए, इस कीबोर्ड के रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रही इस कीबोर्ड की रिटेल पैकेजिंग। ऊपर आप देख सकते हैं जैब मैक्स एटम लिखा हुआ है, ये इस कीबोर्ड का नाम है, और ऊपर ही सारे फीचर्स को प्रिंट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं 37 कीज हैं, इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज हैं, और जो इसमें केबल दी हुई है वो ब्रेडेड केबल है, RGB लाइटिंग है, हैवी ड्यूटी कीबोर्ड है, और 12 RGB मोड भी दिए हुए हैं। 5 कस्टमाइज मैक्रो कीज हैं, डिटैचेबल टाइप सी केबल दी हुई है, और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। तो ये रहे इसके कुछ फीचर्स। और अब हम देखते हैं बॉक्स के बैक साइड में। तो बैक साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सारे फीचर्स को मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे आपको 499 की MRP देखने को मिलती है। और आप जो ऊपर की साइड देख रहे हैं, ये BIS सर्टिफिकेशन नंबर दिया हुआ है इसमें। कीबोर्ड की क्वालिटी के साथ जिब्रोनिक्स ने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। ये बेस्ट क्वालिटी कीबोर्ड है और ये BIS सर्टिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम करते हैं कीबोर्ड के बॉक्स को ओपन। कीबोर्ड को ओपन करने पर आपको एक ये बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर एक कीबोर्ड होगा, और आप कीबोर्ड को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो ये अंदर कंपार्टमेंट में आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है, एक ये आपको की पुलर देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरी ब्रेडेड केबल है, हैवी ड्यूटी केबल दी हुई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देखिए, इसके एजेस एकदम क्लीन है, बैक सरफेस बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे आपको ये बेटर ग्रिपिंग के लिए इन्होंने रबर स्पाइडर लगाए हुए हैं, तो जिससे कीबोर्ड ज़्यादा टेबल पे इधर उधर खिसकेगा नहीं। यहाँ पे आपको जिब्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ऊपर के साइड में आपको जिब्रोनिक्स का लोगो मिलेगा, जो कि कीबोर्ड ऑन होने पर ग्लो भी करता है। बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। बॉस, इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं जिब्रोनिक्स की R&D टीम को 10/10 दूंगा। उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड डिज़ाइन किया है। ये कीबोर्ड ना बहुत ज़्यादा छोटा है और ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कीबोर्ड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप सिंगल हैंड से सारी कीज़ को आप एक्सेस कर पाएँ। तो बॉस, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो कीबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं इसकी कीज़ की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है। आपको इसके कीज़ के क्लिक के साउंड से ही पता चल रहा है कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा आर्म रेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे अपनी आप रिस्ट को जब भी आप रखते हैं तो आपको बहुत ही कंफर्ट फील होता है। यकीन मानिए, जो गेमर्स लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं उनको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने वाली है, वो बड़े ईजिली इस कीबोर्ड के थ्रू गेमिंग कर सकते हैं। मैं आपको इसकी की निकाल के दिखाता हूं। ये देखिए,
ये ब्लू स्विचेस बेस्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप इस की पुलर की हेल्प से आप की को बाहर निकाल सकते हैं और इस की के अंदर जो भी डस्ट जमा हो जाती है उसको आप ब्रश की हेल्प से इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। मैं इस की को वापस से लगा देता हूं। ये देखिए, की को लगाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 37 कीज दी हुई हैं। यहाँ पे ये एक रिस्ट रेस्ट है और ये 5 मैक्रो कीज हैं, यहाँ एक फंक्शन की है और ये एक वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है। इसको आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो वॉल्यूम अप होगा, नीचे की साइड पुश करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा। तो बॉस अब हम बात करते हैं इसकी RGB इफेक्ट्स की। इसमें 12 RGB मोड दिए हुए हैं जो कि इसकी सबसे बड़ी USP है और गेम खेलने में ये LED मोड्स के इफेक्ट से गेम खेलने में एक अलग ही मजा आता है। तो बिना वक्त गवाए इस कीबोर्ड को हम अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके RGB मोड्स और RGB मोड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। केबल है, इससे हम इस कीबोर्ड को कनेक्ट करने वाले हैं। ये देखिए, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे आपको कुछ इस तरह का RGB मोड का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अब अगर आपको इस इफेक्ट को चेंज करना है तो आपको फंक्शन की प्रेस करनी है और यहाँ प्रेस करेंगे, एक RGB मोड ये चेंज हो गया, ये दूसरा मोड है, तीसरा मोड है, ये चौथे मोड में आप जिस रो की को प्रेस करेंगे वही की लाइट ग्लो करेगी। आप देखिए, मैं W को प्रेस कर रहा हूँ तो W की लाइट ग्लो कर रही है। तो इस तरह से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। अब सपोज इसमें आप जिस रो की को कोई भी की को प्रेस करेंगे तो पूरी रो की लाइट ग्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप RGB मोड को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड की परफॉर्मेंस की। जिसके लिए कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है वो है गेमिंग। तो देखते हैं कि गेमिंग के टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और RGB मोड्स बहुत ही अच्छे हैं। सब को डिपेंड करता है इस कीबोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है गेमिंग के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं गेम को। फ्रेंड्स, गेम लोड हो चुका है और अब हम देखते हैं इस कीबोर्ड की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं गेमिंग के टाइम पे भी इस कीबोर्ड की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है और गेम खेलने में बहुत ही मजा आया। तो मैं इसकी परफॉर्मेंस के मामले में भी इसको 10/10 दूंगा। आपकी क्या राय है? अगर आप इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।